गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन को हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहते हैं, या ये जो स्टॉक ऑप्शन का मेथड है ये एक्चुअल में जो मेथड है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि वो कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक का मतलब यहाँ पर है जो कंपनी के शेयर्स हैं, जो कंपनी के सिक्योरिटीज हैं, उन्हें खरीद सकते हैं एट अ लेसर प्राइस जो मार्केट में प्राइस चल रहा है सिक्योरिटी का, उससे लेस प्राइस पर जो एम्प्लॉयज हैं वो उस स्टॉक को, उस सिक्योरिटी को, उस शेयर को खरीद सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वॉलंटरली स्कीम है जो इसलिए बनाई गई है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है कंपनी में उसे इनकरेज किया जा सके। ये बेनिफिशियल उन कंपनीज को होती है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो गाइडलाइंस क्या हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया? हर एक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवा चुकी है, जिसकी जो सिक्योरिटीज है लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, वो ऑफर कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को एम्प्लॉयज को थ्रू ESOP। ESOP मींस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या है? जो इशू साइज होना चाहिए अंडर ESOP, वो जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है एक ईयर में उससे 1% ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, जो कंपनी है वो अलॉट नहीं कर सकती सिक्योरिटीज को प्रमोटर्स को, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को अंडर ESOP 2। जो ये प्रमोटर्स और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं इम्प्लॉयज भी हैं कंपनी के, देन ऑल्सो जो कंपनी है उनको सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर सकती। कंपनीज फ्री हैं डिवाइस करने के लिए कि ESOP जो है उस स्कीम में टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगी, या जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है सिक्योरिटीज इशू करने की वो क्या होंगी। नेक्स्ट है, अगर आप इशू कर रहे हो शेयर ESOP तो आप प्रेफरेंशियल बेसिस पे कर सकते हो उनको, लेकिन जो प्राइस है वो जो अभी हम बात करेंगे दो चीज़ें, दोनों में से जो हायर प्राइस होगा उससे कम प्राइस नहीं हो सकता। वो क्या है? वीकली एवरेज हाई और लो प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं शेयर्स के जो स्टॉक एक्सचेंज पे पोर्ट किए गए हैं ड्यूरिंग प्रीवियस 6 मंथ्स। मतलब ड्यूरिंग प्रीवियस 6 मंथ हर वीक जो क्लोजिंग प्राइस रहा है शेयर्स का, जो उन शेयर्स का जो लिस्टेड हैं, कोटेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उनका हाई और लो का जो एवरेज है प्रीवियस 6 मंथ्स का वो। दूसरा, वीकली एवरेज हाई और लो की क्लोजिंग प्राइसेस की शेयर्स की जो कोटेड है स्टॉक एक्सचेंज में ड्यूरिंग द 2 वीक्स प्रिसीडिंग द रेलेवेंट डेट। तो इन दोनों में से जो हायर प्राइस होगा उससे लेस प्राइस पर आप ESOP को इशू नहीं कर सकते। देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे डिटेल्स अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ एनेक्सचर लगाकर। गाइडलाइंस जो स्पेशल स्टॉक ऑप्शन स्कीम की है इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज की, वो अनाउंस की गई थी June 22, 1998 को। ये जो स्कीम है वो अवेलेबल है नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए। जो इंडियन एंड ओवरसीज वर्किंग डायरेक्टर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर। ये स्कीम एनेबल करती है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के कंपैरिजन में कंपेरेबल जो टर्म्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर सके। जो इशूइंग कंपनी है वो एंटाइटल है कि वो इशू कर सकती है स्टॉक ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। June 16, 2000 को जो गवर्नमेंट है उसने एक्सपैंड किया इस स्कीम का स्कोप। इस स्कीम के अंडर आप सिर्फ शेयर्स या स्टॉक्स ही नहीं, आप इशू कर सकते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ऑर्डिनरी शेयर्स भी। जे आर वर्मा
जे आर वर्मा पैनल ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट जून 2002 को, और उसके बेसिस पर जो सेबी है उसने अक्टूबर 4 2002 को एक लॉक इन पीरियड लगाया था इनके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को देते हो। एक न्यू प्राइसिंग फॉर्मूला ऑन द लाइन ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी सेबी ने दिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉट आउट डील्स, BODs। इसमें क्या होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कंपनी के बीच में और मर्चेंट बैंकर या स्पॉन्सर के बीच में जिसे बॉट आउट डील कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बॉट आउट डील में कोई भी पार्टी, ना कंपनी ना ही मर्चेंट बैंकर या स्पॉन्सर, अपने आप कोई एक्शन ले सकता है, मतलब यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकता है। इस डील में जो एंटायर इक्विटी है या जो भी रिलेटेड सिक्योरिटी है कंपनी की, जो मर्चेंट बैंकर है या जो स्पॉन्सर है उसे फुल परचेज कर लेता है, बॉट कर लेता है। किस इंटेंशन से, कि वो उसे आगे मार्केट में ऑफलोड करेगा, मतलब उसे आगे मार्केट में बेचेगा, फुल लॉट में भी बेच सकता है और लॉट्स में भी बेच सकता है। जो शेयर्स हैं स्पॉन्सर अपने पास तब तक रखता है जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए वो रेडी नहीं है। इंडियन प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम जो ये बॉट आउट डील्स हुई थी वो हुई थी कोनिक एलॉयज इंडिया की। इसने ऑफर किया था सेल एट अ प्रीमियम और इसे स्पॉन्सर किया था ICICI ने इन जून 1992 में। फी बेस्ड एक्टिविटी है, फंड बेस्ड एक्टिविटी जो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं वो करते हैं इसके थ्रू, बॉट आउट डील्स के थ्रू। जो सेबी है इन 1994 उसने इशू की थी गाइडलाइंस कि जो रिजर्वेशन होगा इशू का विदाउट लॉक इन वो किसके लिए होगा, कैसे होगा। 20% म्यूचुअल फंड्स के लिए, 24% FIIs के लिए, 20% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड 10% एम्प्लॉयज के लिए। ये है क्या बेसिकली, कि जो मर्चेंट बैंकर है या जो स्पॉन्सर है उसने जब वो खरीद लिए हैं कंपनी से सारे सिक्योरिटीज, तो जब वो आगे बेच रहा है उसे मार्केट में, तो किस किस पार्टिसिपेंट्स को वो कितना कितना जो शेयर है वो दे सकता है, आगे सेल कर सकता है। तो ये वही है, 20% म्यूचुअल फंड, 24% FIIs, 20% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड 10% फॉर एम्प्लॉयज। देन एडवांटेजेस क्या है बॉट आउट डील्स के, सेव होता है आपका टाइम और कॉस्ट इशूइंग कंपनी का, चीपेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट सोर्स है फाइनेंस का स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए, हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो मार्केट से फंड्स डायरेक्टली ले सकते हैं। जो इन्वेस्टर है वो बेनिफिटेड होता है क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर है वो अपनी कैपिटल रिस्क नहीं करेगा। देन जो गेन है मर्चेंट बैंकर के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है, और प्रॉपर सेलेक्ट करके प्रॉपर इशू और प्राइजेस अट्रैक्ट करके, प्राइजेस अट्रैक्टिव रख कर ही वो आगे इशू मार्केट में निकालता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट जैसे हमने पीछे भी बात की थी जब हमने बुक बिल्डिंग का प्रोसेस किया था, ग्रे मार्केट इलीगल मार्केट होती है, अनऑफिशियल मार्केट होती है। अगर कोई सिक्योरिटी में आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऑफिशियली लिस्ट होने से पहले तो उसे ग्रे मार्केट कहा जाता है। द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी बिफोर इट इज ऑफिशियली लिस्टेड इज पॉपुलरली नोन एज ग्रे मार्केट। इसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के वो शेयर्स एक्चुअल पब्लिक इशू होने से पहले 6-8 महीने पहले ही कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सेल कर देते हैं, और ये सेल्स इलीगल होती है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का क्या मतलब है, प्लेसमेंट तो हम पहले भी करके आए हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स जो है प्राइवेटली प्लेस कर देती है, पर्संस उसको पता होते हैं कौन किस, अपने आप सर्च आउट करती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, पर्संस हो सकते हैं, और उनके पास जो शेयर्स है वो बेच देती है, प्लेस जिसे हम कहते हैं प्लेस करवा देती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब इंस्टीट्यूशंस जो क्वालिफाई करते हैं शेयर्स को प्लेस करने के लिए।
तो ये डिसाइड किया गया कि एक एडिशनल मोड लिस्टेड कंपनीज को दिया जाएगा ताकि वो रेज कर सके फंड्स डोमेस्टिक मार्केट से और इंडियन मार्केट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इसी मोड को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? पहला है इश्यूअर। इश्यूअर कौन होता है? कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर और उसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उस स्टॉक एक्सचेंज का और प्रिस्क्राइब्ड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की लिस्टिंग एग्रीमेंट की वो कंप्लाई करती है और एलिजिबल है फंड्स रेज करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में प्लेस करने के लिए सिक्योरिटीज विद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशन बायर है जो क्वालिफाई कर रहा है प्लेसमेंट के लिए, उसी को हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट होती है या जो सेबी है वो एलिजिबिलिटी लगा देती है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो एलिजिबल है कौन सी सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए या वो कितना बाय कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई कहलाता है। तो दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। देन आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो हैं वो आप इशू कर सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। वो कौन सी सिक्योरिटीज है जिनको आप इशू कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या कोई भी सिक्योरिटी वारंट को छोड़कर विच आर कन्वर्टेबल इंटू और एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर्स, उनको छोड़कर आप जो हैं बाकी सभी सिक्योरिटीज को यहाँ पे इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो कन्वर्टेबल है या एक्सचेंजेबल है इक्विटी शेयर्स के साथ एट अ लेटर डेट, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में किसी भी टाइम पे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी होने के बाद, लेकिन वो 60 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब वो जो पीरियड है 60 मंथ से ज़्यादा का कन्वर्टेबल ऑप्शन आपने नहीं देना है जिस डेट को अलॉटमेंट हुआ है उस डेट से। जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं पहले उन्हें फुली पेड अप बनाया जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देन नेक्स्ट आता है हमारे इन्वेस्टर्स और अलॉटेड अलॉटीज। जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं वो आप इशू कर सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो प्रमोटर्स नहीं होने चाहिए या प्रमोटर्स से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, जो प्रमोटर है इशू का उससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर एक प्लेसमेंट जो है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की जो आप इशू कर रहे हो थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होगी। मिनिमम 10% जो सिक्योरिटीज होगी हर एक प्लेसमेंट में वो अलॉट आपने करनी है म्यूचुअल फंड्स को और हर एक प्लेसमेंट के लिए एटलीस्ट 2 अलॉटीज होने चाहिए अगर आपका जो इशू साइज है वो 250 करोड़ रुपीज तक का है और एटलीस्ट 5 अलॉटीज होने चाहिए अगर जो आपका इशू साइज है वो इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ रुपीज हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर आपका जो इशू साइज है वो 250 करोड़ है तो कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 इंस्टीट्यूशनल बायर्स होने चाहिए जिनको आप अलॉट करोगे और अगर एक्सेस है इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ रुपीज है तो एटलीस्ट 5 अलॉटीज होने चाहिए अगर 250 करोड़ रुपीज प्लस है। तो फर्दर कोई भी सिंगल अलॉटी को आप अलॉट नहीं कर सकते 50% ऑफ द इशू साइज से ज्यादा का। देन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें अलाउ नहीं है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं देयर बिड्स और एप्लीकेशन जब इशू क्लोज हो गया है। देन आता है इशू साइज। जो एग्रीगेट फंड्स जो आप रेस्ट कर सकते हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जो आपकी नेट वर्थ है इश्यूअर की एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसके 5 टाइम से ज्यादा वो नहीं हो सकती। देन है प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। जो इश्यूअर है वो प्रिपेयर करेगा एक प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट जिसमें रेलेवेंट और मटेरियल डिस्क्लोजर्स वो करेगा और कोई भी प्री इशू फाइलिंग नहीं होगी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट की सभी के साथ। और जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डाला जाएगा। इश्यूअर विद एप्रोप्रिएट डिस्क्लेमर डालेगा कि ये जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है और ये जो ऑफर है वो पब्लिक के लिए नहीं है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज प्राइसिंग। जो फ्लोर प्राइस है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का वो डिटरमाइंड होगा सिमिलर बेसिस पे जिस तरीके से JDRs और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यूज का होता है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स अगर कॉर्पोरेट एक्शंस
जो भी वो हो रहे हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट्स, राइट इशू या बोनस इशू एक्सेट्रा हो रहा है, इसकी जो दो कंडीशंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.